हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं डिजाइन लेकर आई हूँ। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है बनाने में। इस डिजाइन को आप कार्डिगन, स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये डिजाइन सिर्फ 10 रोज का डिजाइन है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 10 में फंदा लेना होगा, प्लस 2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 10 प्लस 2 रॉन्ग साइड पे से दिखता है। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 10 टू टाइम्स 10 20 प्लस 2 एज स्टिच करके टोटल 22 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। ये राइट साइड है, फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में आपको एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागे पीछे 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपको एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 2 बार करना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे एक फंदा सीधा, 1। फिर से करना है धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 बार करना है आपको टोटल 1 2। फिर धागा आगे करना है, लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 2 बार करना है, 1 2। फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा, फिर से रिपीट करना है। 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 2 बार करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 1। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 2। फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है बार बार, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में एक फंदा एज स्टिच को सीधा बुनना है। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड रो। सेकेंड रो रॉन्ग साइड आपको एक फंदा, फर्स्ट का फंदा स्लिप करना है। फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 3 बार करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, 1। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2। फिर से करना है एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 3 बार करना है, 1 2 3। फिर आपको लास्ट में धागा आगे 4 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2 3 4। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 3 बार करना है, 1 2 3। फिर लास्ट में 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। आपको फिर से रिपीट करना है। यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा 3 बार करना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 1। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 3। अब लास्ट में 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। यहाँ तक इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 2 बार रिपीट हुआ है। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में एक फंदा एज स्टिच को उल्टा बुनना है। सेकेंड रो कंप्लीट कर लिया है, अब थर्ड रो। थर्ड रो राइट साइड
फर्स्ट एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तीन बार करना है। धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, एक एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तीन तीन बार करना है। फिर से एक बार सीधा बुनना है लास्ट में। यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। आपको रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तीन बार करना है, एक दो तीन, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट करना है तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तीन बार, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तीन, लास्ट में एक फंदा सीधा। यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। अब ये रिपीट करना है बार बार स्लिप फंदों को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है। लास्ट में एक फंदा एज स्टिच को सीधा बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ रो, फोर्थ रो में आपको एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, अब एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन बार करना है। धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, दो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, तीन तीन बार करना है। लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन बार करना है, एक दो तीन, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, अब एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन बार, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, दो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, तीन, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है। आपको ये रिपीट करना है लास्ट में एक फंदा एज स्टिच इसको उल्टा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया, सॉरी फोर्थ रो कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो में फर्स्ट एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन बार करना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, दो, अब लास्ट एक बार एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है स्लिप फंदों को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो बार करना है स्लिप फंदों को छोड़कर, एक दो तीन, फिर लास्ट में चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। फिर से रिपीट करना है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तीन बार करना है, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तीन, फिर धागा पीछे। अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। यहाँ तक दो बाजी पिट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में एक एज स्टिच, एक फंदा को सीधा बुनना है। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो। सिक्स रो ये रॉन्ग साइड, फर्स्ट एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा दो बार करना है धागा पीछे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो, आपको यहाँ पर सिर्फ दो बार करना है, फिर लास्ट में धागा पीछे एक फंदा सीधा। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर। आपको रिपीट करना है पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो बार करना है, एक दो, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट करना है धागा आगे। पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा दो बार। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो, लास्ट में एक फंदा सीधा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में एक फंदा इसको उल्टा बुनना है एज स्टिच को। सिक्स रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेवेंथ रो। सेवेंथ रो राइट साइड, एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन बार करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तीन, टोटल तीन बार करना है। फिर धागा पीछे लास्ट में चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। आपको ये रिपीट करना है इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ का यहाँ तक आपको रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा तीन बार करना है, एक दो तीन, फिर लास्ट में चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। आपको ये रिपीट करना है, फिर से रिपीट करना है। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा तीन बार करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। दो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तीन, लास्ट में चार फंदा सीधा धागा पीछे, एक दो तीन चार। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदे को छोड़कर आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में एक फंदा एज स्टिच को या इसको इसको सीधा बुनना है। सेवेंथ रो कंप्लीट कर लिया है, अब एट रो। एट रो रॉन्ग साइड, फर्स्ट एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा तीन बार करना है धागा पीछे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक, फिर से एक फंदा सीधा,
एक भन्दा उल्टा दो, अब एक लास्ट, एक भन्दा सीधा, एक भन्दा उल्टा तीन। आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में एक भन्दा उल्टा होना है। यहाँ तक एक रीजन खत्म हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। आपको रिपीट करना है तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन बार करना है, एक दो तीन, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन बार धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए फंदा को छोड़कर आपको ये रिपीट करना है, लास्ट में एक फंदा एजिस्टिस, इसको उल्टा बुनना है। एट रो कंप्लीट कर लिया है, अब नाइन्थ रो। नाइन रो राइट साइड, एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अब यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन बार करना है धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन बार करना है, एक दो तीन, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अब एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन बार, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदा को छोड़कर फिर लास्ट में एक फंदा एज स्टिच, इसको सीधा बुनना है। नाइन्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब टेंथ रो। टेंथ रो ए रॉन्ग साइड, ए लास्ट रो है, एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन बार करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन, फिर से यहाँ पर अब चार फंदा उल्टा तक आगे, एक दो तीन चार। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, इसलिए फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन बार करना है, एक दो तीन, फिर लास्ट में चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन बार करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन, फिर धागा आगे, लास्ट में चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। इसलिए फंदों को छोड़कर
ऐसे यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, लास्ट में एक फंदा एज स्टिच को इसको उल्टा बुनना है। देखिए 10 रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, इसे चिक चैक वाला। आपको ये रिपीट करना है, 1 से 10 रो तक रिपीट करना है। फिर से यहाँ से आपको रो 1 से स्टार्ट करना है। फिर आपको लास्ट में ऐसा डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।